नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बहराइच में बीते दिनों कोतवाली देहात के ग्राम बहादुरपुर में पति पत्नी की हुई नृशंस हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा व अभियुक्त के खून लगे कपड़े बरामद किए हैं। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 13 जून की रात कोतवाली देहात के बहादुरपुर गांव में अब्दुल गनी व उसकी पत्नी चुनमुनिया की गला काट कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। दोहरे हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी ने 3 टीमों का गठन कर हत्याकांड का शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए थे। पुलिस टीम ने तैनूर और सोनू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे हत्यारोपी शाहनूर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पिछले महीने 13-14 की रात्रि में पति पत्नी दोनों की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें गठित की गई थी और विवेचना के क्रम में घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जो उसी गांव के हैं। घटना का कारण जमीन का विवाद था, जिसमें मृतक के द्वारा जो आरोपी हैं उनकी जमीन में चक्रोड बनाने के बाद चल रही थी और उसकी पैमाइश होनी थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए जो आरोपी हैं उन्होंने उनकी हत्या की। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।